टू की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर टू है, ऊपर दिए गए सभी परिमेय संख्या जो जो शांत दशमलव प्रसार है उसको पी बटा क्यू के उसका दशमलव प्रसार लिखना। तो ये पता कि वन नंबर क्वेश्चन में क्या कि शांत दशमलव प्रसार कौन कौन था, उसके बाद अब पता करना है कि जो शांत दशमलव है उसका दशमलव प्रसार क्या है वो लिखना। ठीक, तो आप एक तो मेथड है कि डिवाइड करो, डिवाइड करने से काम चलने वाला है नहीं उतना टाइम तक। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ अभी, तो इसको हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए 13 है, 13 को क्या लिखे थे हम लोग बताइए, 31.5 को क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। देखो 25 25 25 125 125 625 625 625 3125, तो 13/5 पे पावर क्या लिखोगे 5। तो एक कंसेप्ट है क्या, अगर किसी भी संख्या का बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक था ये कंसेप्ट ना, जब बेस सेम रहे तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। दूसरा कंसेप्ट क्या था, जब पावर सेम रहे तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी पे पावर एम। बस ये कंसेप्ट को याद रखिए, काम बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ 2 पे पावर कितना है, 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो जितना पावर है उतना ही 2 का पावर इंक्रीज करो, 2 पे पावर कितना आ जाएगा बताओ, 5। तो अगर 2 पे पावर 5 लिखे हो तब तो पूरा नंबर गड़बड़ हो गया, तो हमको 31 बेचना चाहिए, तो उतना ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, बात तो ही पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखिएगा, तो हम इसको इस कंसेप्ट को लिख देते हैं यहाँ पे। क्या कौन सा कंसेप्ट है, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एन इज एम इज इक्वल टू, जब बेस पावर सेम रहे तो बेस को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब समझिए, तो 2 पे पावर 5 को क्या लिखोगे, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो 13 × 32 पावर सेम है तो बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^5। तो अब 10^5 आ गया, तो 13 × 32/1 पे कितना, 0 5 0। तो 5 0 आ गया, तो क्या करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 डिजिट के बाद क्या कर देना आपको, डेसिमल पुट कर देना, कोई दिक्कत। तो चलिए मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 32 32 96 और 32 32 यहाँ आ गया, 6 9 2 11 4 कितना आया, 416/ आ गया। तो कितना डिजिट, डिजिट के बाद डेसिमल दोगे तो 416 लिख दिए, 5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 3 डिजिट है, 4 5 5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, हो गया इस टाइप का। चलिए तो उसी टाइप से आपका 17/8 है, 17/8 है, तो 17/8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 तो 17/2 पे पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे ना। अब पावर सेम रखना चाहिए, तो अब इसके साथ 2 और 5 का हमेशा याद रखो कितना पेयर होना चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। तो 2 तो मेरे पास है ही पहले से, 5 का कितना पेयर आ जाएगा, 5 पे पावर 3। अगर 5 पे पावर 3 दोगे तो ऊपर भी कितना, 5 पे पावर 3 ही लिखना पड़ेगा। तो 17 × 5 पे पावर 3 को क्या लिखोगे, 125/ बेस सेम, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस को मल्टीप्लाई करोगे तो 10^3। तो तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो कैसे भी करके बेस जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही सेम चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो नंबर है वो नंबर कॉन्स्टेंट रहे, समझ रहे। तो 17 को इससे 17 × 5 = 85 हासिल 8, 17 × 2 = 34 8 × 42 = 2 हासिल 4, 17 × 4 = 21 कितना, 10^3। तो 2.125 आ गया, नहीं 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए, 1 पे जितना जीरो रहेगा उतने डिजिट के बाद क्या दिया जाता है, डेसिमल दिया जाता है। उसी टाइप से 15/ इतना है, तो 15/416 को क्या लिखोगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 4 16 को इंटू 100 को क्या लिखोगे, 2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2। देखो 25 25 25 100, तो अब देखें इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल क्या करोगे, 2 पे पावर 4 का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक, 2 पे पावर 4 है तो इसको, इसके लिए क्या कीजिएगा, इसको लिख देते हैं 5 × 3 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 5 5 क्या हो गया कैंसिल, तो 3/2 पे पावर 6 लिख सकते हो इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 5 तो है ही, 2 पे पावर 6 तो था ही, तो अब कितना पावर इन कितना 5 लिखेंगे जो कि दोनों का पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। 5 पे पावर कितना था पहले से, 1, तो और कितना 5 लिखना पड़ेगा, 5 पे पावर 5 लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 3/2 पे पावर 6 × 5 पे पावर 6 हो गया। अगर 5 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 पे पावर 5 से। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए आप, तो 3 ×
फाइव पे पावर फाइव कितना होता है 125, 3125, देखो 3125 लिखे थे ना फाइव पे पावर फाइव को, बाय बेस सहमत पावर को, सॉरी पावर सहमत बेस को ऐड कर दी, ये सब मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा 3759 बाय 10 पे पावर 6 है, तो 1.60 होगा, तो कितने डिजिट के डेसिमल देंगे 9375, कितना 4 है 5 6, 6 डिजिट के डेसिमल दे दी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसको अगर बात करोगे 23 बाय 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 का, तो देखो दोनों का पावर सेम करना है, तो दोनों का पावर सेम करने के लिए नीचे कितना 5 देना पड़ेगा, 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर भी 51 से, कितना आ जाएगा 115 बटे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर कितना आ गया 3, बेस सहमत पावर को ऐड कर देंगे इसमें, तो देखो अब दोनों का पावर क्या हो गया सेम हो गया, तो 115 बाय 10 पे पावर 3, तो 115 बाय कितना 1000 आएगा 0.115 हो गया आंसर। ठीक है, 6/15 है तो 6/15 है तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 × 2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 5 × 3 खत्म, तो 2/5, अब 2/5 को तो ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 0.4 हो गया, इसको अगर कंप्लीट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 × 5 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 2 × 5 × 5, 5 क्या हो गया कैंसिल, तो 7 बाय कितना आ रहा है 10, तो कितना 0.7, तो इस प्रकार का आपका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, कोई दिक्कत। तो एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप था ये वाला, ठीक, जिसमें किसान दशमलव प्रसार का आपको दशमलव लिखना पड़ा, ठीक है, चलिए।